प्रधानमंत्री लगातार अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि बीजेपी युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, और इसलिए अब राज्य के लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें हैं, जहां केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, और एक ही साथ केरल में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। यहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाता की बात की जाए तो 2,71,00,000 मतदाता हैं केरल में, 1,04,00,000 से ज्यादा महिलाएं और 1,31,00,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता शामिल हैं। और इस बार 2,00,000 से ज्यादा पहली बार युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के बाद तमिलनाडु के सेलम जाएंगे, जहां वे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भारत में चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, और इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ी है, और नए साल का आगाज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे के साथ किया था। प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर आते रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं। बीते 15 मार्च से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। लगातार आप नारों की आवाज सुन रहे हैं, जहां मोदी मोदी के नारे लगातार गुंजायमान हो रहे हैं, और पुष्प वर्षा के साथ दोनों ओर सड़कों पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर इस समय बेहद उत्साह का माहौल, एक बड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और प्रधानमंत्री सभी को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है, और इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण की बात की जाए तो यहां मतदान 19 अप्रैल को होगा, और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी,
फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। यह 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनी तैयारियां मजबूत कर चुके हैं और सभी इस बार जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश यही है कि इस बार भाजपा की स्थिति को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री इसके बाद एक और मिशन के साथ तमिलनाडु जाएंगे और दोपहर बाद सेलम में एक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल अब बज चुका है और इस चुनावी रणभेड़ी में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बार जीत हासिल करने के लिए सीटों के शेयर को बढ़ाने के लिए